पहले तो आपको बस एक सिंपल सी स्ट्रेट लाइन निकालनी है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। फिर हम आईज की आउटलाइन को शुरुआत करते हैं। आईज निकालना बहुत आसान है, बस आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और जस्ट फोकस ऑन द वीडियो। मैं जैसे निकालता हूँ वैसे ही निकालने की कोशिश करें। किसी भी स्केच बनाने का सबसे डिफिकल्ट पार्ट आउटलाइन होता है और 90% लोग वही फेल हो जाते हैं। और फेल होना भी कोई गलत बात नहीं है, आइदर यू विल पास और यू विल लर्न अ लेसन। सिर्फ मेरे हाथ को देखिए, कितने आराम आराम से मैं बना रहा हूँ, वैसे ही आपको भी करना है। जब तक वीडियो रियल टाइम में है तब तक अच्छे से समझ लेना। आगे शेडिंग के टाइम पे मैं 2x स्पीड पे ज़रूर करूँगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी और आप में उतना पेशेंस नहीं रहेगा कि इतनी बड़ी वीडियो आप देखो। हमने एक आँख की आउटलाइन कंप्लीट कर ली है और हम अब उसकी आईलिड बना रहे हैं। छोटे छोटे डिटेल्स हम ऐड करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो मैंने आईलिड के अंदर भी एक लाइन निकाली है, वो बस एक स्ट्रेच मार्क टाइप होता है, बहुत ही माइनर डिटेल है वो, वैसे हम आउटलाइन के टाइम निकाल देंगे। अब हम दूसरे आँख की आउटलाइन बना रहे हैं। दूसरी आँख बनाने में कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, वैसे ही पहली आँख जैसी है, बस एक मिरर इमेज समझ लेना और आप इजीली बना लोगे। वीडियो मैंने 2x पर इसलिए रखी है क्योंकि प्रोसीजर सेम है, जैसी पहली आँख निकली है वैसी ही दूसरी आँख होगी, लेकिन आप आराम आराम से निकालना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे, बस कॉन्फिडेंस से निकालना, ज़रूर आ जाएगा। वीडियो लंबी होगी इसलिए मैंने स्पीड बढ़ाई है। ऐसे ही करते करते हमारी आँखों की आउटलाइन बन जाएगी। अब मैं आपसे मिलता हूँ शेडिंग के पार्ट में, इसी वीडियो में है। आगे दोनों आईब्रोज को भी निकाल लेंगे हम, सिर्फ रफ आउटलाइन है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है उसमें, बस उसके आईब्रोज में भी हम छोटे छोटे जो बाल होते हैं उसकी रफ आउटलाइन निकाल रहे हैं हम। ऐसे ही दोनों आईब्रोज निकाल देंगे। अगर इधर तक आपने स्केच निकाला हो और आपके हाथ में अगर दर्द हो रहा हो, सो प्लीज़ टेक 5 मिनट्स ब्रेक, बिकॉज शेडिंग के पार्ट में आपको बहुत पेशेंस दिखाना होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए ब्रेक लेने के बाद शेडिंग स्टार्ट करना। सो इसी तरह हमने आउटलाइन बना ली है अपने आँखों की और हम ये डोम्स कलर पेंसिल यूज़ करेंगे शेड करने में। आँखों का अंदर का हिस्सा थोड़ा सा ब्राउन होता है और हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। ब्राउन कलर से आँखों की इंटरनल आउटलाइन हम निकालेंगे और फिर उसको ब्लैक कलर से ओवरलैप कर देंगे। ऐसे ही आँखों का शेड तैयार होता है। बस ध्यान रखना कि आपकी पेंसिल हमेशा शार्प रहे, ब्लेंड पेंसिल अवॉइड करना क्योंकि एरर्स हो सकते हैं। आँख का जो आईबॉल होता है उसका बाहरी हिस्सा ब्लैक है, थोड़ा सा डार्क है और अंदर थोड़ी सी डिटेलिंग है। और आईबॉल शेड करने में हमने ब्लैक कलर, ग्रे कलर, लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन कलर यूज़ किया है। ऊपर वाला हिस्सा कम्प्लीटली डार्क है, इसलिए हम ब्लैक पेंसिल से उसे डार्क कर रहे हैं। और जैसे ही हम आँख मतलब आईबॉल के नीचे आएंगे, थोड़ा सा लाइट होते जाएगा वो एरिया, आप वीडियो में देख लेना और आप समझ जाओगे। और आँख के नीचे से हम ब्राउन शेड यूज़ करेंगे। अब हम ब्राउन शेड यूज करेंगे और बस आईबॉल को थोड़ा सा 3D लुक दे रहे हैं। और आईबॉल में आपको पता ही होगा कि ब्राउन शेड के सीलियरी मसल्स रहते हैं जो अपने आँखों की लेंस को होल्ड करके रखते हैं, वही अपन बना रहे हैं। हम ग्रे शेड से ब्लेंड भी करेंगे और जो बचे वाला वाइट स्पेस है उसमें भी थोड़ा सा शेड करेंगे। और ध्यान रखना ब्लेंडिंग के टाइम थोड़ा सा जो डार्क एरिया है वो ऑटोमेटिक लाइट बन जाता है, इसलिए अब हम फिर से थोड़ा सा ब्लैक की लेयर डाल देंगे। आईबॉल बनाने के बाद अब हम ब्राउन शेड से नीचे की लाइन बनाएंगे जो आईलिड होती है, और उसके बाद हम ग्रे और वाइट कलर से जो अपने आँख का वाइट पार्ट होता है वो बनाएंगे, उससे आँख में एकदम 3D इफेक्ट आएगा। बस देखते जाना और स्टेप्स फॉलो करना। वाइट शेड से ब्लेंड भी हो जाएगा और एकदम 3D इफेक्ट भी आएगा।
और वाइट शेड अप्लाई करने से जो अपन पहले लेयर जो अप्लाई करते हैं वो थोड़ी सी लाइट भी हो जाती है और निखर के ऊपर आ जाती है। आँखों में जो वाइट कलर के हाइलाइट्स होते हैं उसके लिए हम जेली रोल पेन यूज़ करेंगे। ये बेसिकली एक वाइट इंक की पेन होती है, जेल पेन होती है बेसिकली। किधर भी अवेलेबल मिल जाएगी आपको, अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे। ज़्यादा महंगी नहीं होती है, नहीं तो आप आपके घर के पास वाले स्टेशनरी शॉप पर भी चेक कर सकते हो। बहुत इजीली अवेलेबल है ये मार्केट में। आँख का इनर पार्ट कंप्लीट होने के बाद हम आईब्रोज निकाल रहे हैं। आप देखिए मैं कैसे निकाल रहा हूँ, मुझे कंफर्म नहीं पता अभी जो निकाल रहे हैं उसे आईब्रोज बोलते हैं या क्या बोलते हैं। आँख के ऊपर के बाल निकाल रहे हैं हम ब्लैक कलर पेंसिल से। अभी हम आँख के ऊपर की एक जो लाइन होती है वो निकाल रहे हैं। उससे 3D इफेक्ट तो ज़रूर आएगा, बस देखते जाना, स्टेप्स फॉलो करना। आगे की स्टेप्स बहुत आसान है। पहले हम स्किन शेड से बेस लेयर देंगे और फिर उसके ऊपर लाइट ब्राउन कलर देंगे और फिर डार्क ब्राउन कलर देंगे। और अगर बहुत ही ज़्यादा डार्क एरियाज है तो हम वाइट कलर भी देंगे। बस यही स्टेप्स आगे पूरे स्केच में फॉलो हो गए, बस आप स्टेप्स फॉलो करना। इसके आगे मैं आपको नहीं बोलूँगा, बस आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। और अगर कोई आपको डाउट्स है तो कमेंट्स में बता देना, और कोई भी अगर आपको ट्यूटोरियल की ज़रूरत है तो कमेंट्स में बता देना, मैं इंस्टेंटली लेके आऊँगा। थैंक यू।